अब हम बात करेंगे डॉक्टर अनीस अहमद खान साहब से, जिन्होंने संगत भी दी है इकबाल साहब को। तो सर, इस्तकबाल है आपका मुंशी टीवी में, और आज का प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताइए। वैसे तो बहुत अच्छा था प्रोग्राम जी। ये प्रोग्राम जो है ये मेरे नाना उस्ताद चांद खान साहब की याद में था, जैसे आपने पढ़ा होगा सुरसागर सोसाइटी के नाम से। और ये दो दिन का फेस्टिवल है, इसमें हिंदुस्तान भर के बहुत सॉलिड लोग जो हैं, बहुत मशहूर फनकार, जिनमें उस्ताद इकबाल खान साहब जैसे आज आपने उनको सुना, पंडित राधे साजन मिश्रा जो अभी गाए हैं, कल शोभा मदगल जी गाएंगी और अजय चक्रवर्ती जी गाएंगे। तो ये दो दिन का फेस्टिवल है। हम लोग इसको फेस्टिवल को पिछले 22 साल से करते आ रहे हैं, 21 साल पहले से, आज ये 22वां फेस्टिवल था। और इससे एक सबसे बड़ा जो इससे मतलब पैगाम पहुँचता है, मैसेज पहुँचता है, वो यंगस्ट जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के यानी क्लासिकल मौसीकी के सुनने वाले हैं। आज मैंने इस बात को बड़ा खुश हुआ देख के और बहुत गौर किया कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो थी वो यंगस्ट की थी, और मुझे बहुत ही खुशी हुई इस बात की कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत है यानी क्लासिकल मौसीकी जो है वो आम और ख़ास लोगों तक पहुँच रहा है। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर अच्छी बात ये रही है कि इसको स्टूडेंट सुन रहे हैं और इसका मज़ा ले रहे हैं, और बड़े बड़े लोगों को सुन के उनको इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा पहुँचेगा इंशाल्लाह ताला जी। थैंक्स अ लॉट, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत।